दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। रियाना देखो मैं आर्टिस्ट हूँ नहीं, और फिर कुछ लोग कहेंगे कि अंधेरे में भटकने वाले रंगों की नजाकत क्या जाने। खैर अच्छा चलते हैं, यार चाय तो पीते जाइए फिर कभी से आइए। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। ऐसी कौन सी खुशी है जो आप खरीदना चाहते हैं? मैं शाह मैं खुशियां खरीदता नहीं, बांटता हूं। मैं रियाज साहब की बात कर रहा था, इतना पैसा होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी की खुशियां नहीं खरीद सके। मैं समझी नहीं। रेहाना शादीशुदा है। क्या? फिर क्या उनके शौहर ने उन्हें छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया। पर जरूर उनके शौहर में कुछ कमी होगी, वरना वरना कोई औरत अपने शौहर को ऐसे कैसे छोड़ सकती है? ये कुछ आप अपनी किस्म की लड़कियों की बात कर रही हैं। अगर मैंने कभी किसी को अपनी जिंदगी का हमसफर चुना तो वो हमेशा के लिए होगा। अपनी इस अगर को याद रखिएगा। वैसे कम से कम मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिन्हें उंगली दो और गले का हार बन जाती हैं। क्या मिस रियाज में आपकी दिलचस्पी इसी अगर के ना होने की वजह से है या फिर रियाज साहब का पैसा? कभी कभी जी चाहता है कि इस बिल्लौरी गर्दन को मरोड़ दूं। गलत लगा रही हो, एक माँ के माथे पर बच्चे के लिए ये बल नहीं होता। हेलो अमिन, कैसी हो? बस कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। काफी दिनों बाद आई हो ना?
अब कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। आज तुम सादगी में हमेशा से ज्यादा अच्छी लग रही हो रेहाना। काश कि ये बात किसी और ने कही होती। खैर देखो, इस बीच मैंने माँ बच्चे की थीम पर एक तस्वीर बनाई है। कैसी है? तुमने हिंदुस्तानी माँ बच्चे की तस्वीर बनाई है? बरसों विदेश रहकर आई हूँ ना, इसलिए अब मैं वो हर चीज अपनाना चाहती हूँ जो सचमुच अपनी हो। तुमने तो हमेशा इस जज्बे का मजाक उड़ाया है। खैर चलो बाहर बाग में बैठकर बातचीत करें। बताओ क्या मेरी तस्वीर के बारे में? तस्वीर अच्छी तो है पर उसमें एहसास की कमी है। तुमने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि तस्वीर बुरी है, पर उसमें तुम्हारी जहन की बेचैनी झलकती है। एमिन, तुम भी कभी जहनी तनाव से दोचार हुई हो? कौन नहीं होता, पर तुम में और मुझ में बहुत फर्क है रेहाना। मैंने कभी कुछ पाया नहीं और तुमने कभी कुछ खोया नहीं। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने कभी कुछ खोया ही नहीं? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ एमिन, जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ एमिन। फिर तुमने अपने शोहर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तब मैं माँ नहीं बनना चाहती थी और इकबाल चाहते थे कि हमारे बच्चे हों, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ होने लगी और मैं पापा के पास वापस चली आई। इकबाल साहब ने तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की? मुसलसल महरूमी का एहसास मुझे खाए जा रहा है एमिन। मैं समझती थी मेरे पापा की दौलत से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, यहाँ तक कि इकबाल को भी अपने आगे झुका सकती हूँ, लेकिन सच्ची खुशियां खरीदी तो नहीं जा सकती। ये तो उन छोटी छोटी कुर्बानियों का इनाम है जो हम दूसरों के लिए देते हैं। काश कि मैंने इकबाल के सामने अपनी कुर्बानी दे दी होती। तुम्हें चले जाना चाहिए था रेहाना। ऐसी कौन सी औरत है जो माँ बनना पसंद नहीं करती? मैं कैसे जाती है मैं? मुझे पोलियोमाइलाइटिस जो हो गया था और फिर मैं माँ बनने के काबिल ही नहीं रही। क्या इकबाल साहब को ये मालूम है? नहीं, उनका एक खत आया था जिसमें उन्होंने मजबूरों के ये लिखा था कि अगर मैं तलाक चाहूं तो वो दे देंगे। क्या कह रही हो रेहाना, तुम्हें ये बात मंजूर है? गुरूर की ऊंचाई पर पहुंच के इंसान को नीचे देखना ही पड़ता है। जिंदगी में समझौते तो करने पड़ते हैं रेहाना। अब मान रही हो ना अपनी गलती को? मैंने पापा की दौलत के आगे इकबाल को झुकाना चाहा। अगर इकबाल साहब ने तुमसे सच्चा प्यार किया है तो वो अभी वापस तुम्हारे पास आ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन्हें हरगिज मालूम नहीं होने दूंगी कि मैं माजूर हूँ। तुमने कभी किसी से प्यार किया होगा जिसका बदला तुम? मेरी बात छोड़ो, मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया। कम ऑन एमन, तुम मुझसे कहना चाहती हो कि आज तक तुमसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे बाल घटाएं, रंग शहबी, आंखें सुनहरी हैं और तुम एक हकीकत नहीं ख्वाब हो? मुझसे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। टेक केयर रियाना। बाय। तो आपने जिंदगी में कभी कुछ पाया नहीं? आपसे मतलब? आज पता लगा कि आप झूठ भी बहुत खूबसूरती से बोल लेती हैं। मैंने कौन सा झूठ बोला है? यही कि आज तक आपको किसी ने नहीं कहा कि आप हकीकत से ज्यादा ख्वाब हैं। जी, जहां तक मेरा ख्याल है किसी ने आपको ऐसा कहा है। क्या दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनना आपकी हॉबी है? मेरी हॉबीज इसके अलावा और भी हैं, और तुम अच्छी तरह से जानती हो। आओ। I don't care for your hobby. आप कुछ कुछ तुम यार पे उतर रही हो,
शुक्र है आपने किसी को तो अपनी टक्कर का समझा। लेकिन संभल कर रहना खाब, रोशनी की धुन में कोई चलती शमा से लिपट नहीं जाता। मैं भी कोई पागल परवाना नहीं हूँ, वार्निंग के लिए शुक्रिया। अच्छा आप तशरीफ रखिए, सफर बहुत लंबा है। अपने इस अगर को याद रखिएगा। वैसे कम से कम मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिन्हें उंगली दो और गले का हार बन जाती हैं। आपको अपने बारे में बड़ा भ्रम है। तो कौन बदनसीब लड़की होगी जो आपसे शादी करने का खतरा मोल ले? पुसीकैट, अपना दिया हुआ ये नाम फौरन वापस लो वरना मैं चली। मैंने तुम्हारे 70 नाम रखे हैं, अब बोलो कौन सा नाम वापस लूं? अच्छा जल्दी जल्दी बात करो, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे से तो बात नहीं बनेगी, मुझे तुमसे जन्म जन्म की बातें करनी है। कल कौन सी फिल्म देखकर आए थे? जागो साहबजादे, ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ना तुम हीरो और ना मैं हीरोइन। फिलहाल तो तुम सोनी हो और मैं महिवाल। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे टिम्बर फैक्ट्री जाना है। ऐसी भी क्या जल्दी है? अच्छा आप मेरे साथ बोट में आई, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। बोट से? हाँ, अरे कभी कभी हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए, आइए। चलिए। बशारत नवाब, आप इतने चुप क्यों हैं? आखिर आप मेरी तकलीफ समझते क्यों नहीं? क्या आपने सिटी लाइट देखी? नहीं, क्या है वो? चार्ली चैपलिन की फिल्म। अरे वो उसे चार्ली चैपलिन को नहीं समझ पाए और आप मुझे नहीं समझ पा रही हैं। आप यूं ही हंसती रहेंगी और नाचती रहेंगी और एक दिन मैं यूं ही नाच गा के हंस हंस के पानी में डूब जाऊंगा। इस तरह हाल में अब टिम्बर फैक्ट्री कैसे जाएंगे? टिम्बर फैक्ट्री? फैक्ट्री कौन जा रहा है? मतलब? मैडम फिलहाल तो मैं आपको किडनैप करके ले जा रहा हूँ। आपको भी इस हाल में मजाक सूझता है? अगर आजर नवाब को यह पता चल गया कि मैंने आपको पानी में गोता दिया और उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया तो भूखे शेर के आगे डलवा देंगे। आजर नवाब को पता कैसे चलेगा? क्या वो रोज टिम्बर फैक्ट्री जाते हैं? आप नहीं समझती, उनकी ऑफिस की खिड़की से सब कुछ दिखाई देता और वो बसनूर मठ वो मेरे पीछे पड़ा है, ना जाने क्यों मेरी सारी बातें उन्हें बता देता है। अब तो मान लीजिए कि आप आजर नवाब से डरते हैं। आमा यार बला से कौन नहीं डरता। बसनूर मठ जी, सलाम क्यों मान? डर क्यों नहीं करता? सरकार वो बशारत नवाब का दस्तखत होना है सरकार। बशारत नवाब कहाँ है? वोट लेको गए। कहाँ? बेंच कहीं गए होंगे सरकार। कुछ देर यहाँ रुकते हैं, तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे, फिर फैक्ट्री चलेंगे, पास में ही तो है। तुम्हारी आंखों में कौन सा रंग है? जो भी रंग आप समझे।
इस वक्त तो फिलहाल मुझे सब्ज नजर आ रही है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इनमें सुनहरा रंग भी है। आपको नदी का और चट्टानों का रंग नहीं नजर आ रहा है इनमें? हाँ, लेकिन मैं कुछ और रंग देखना चाह रहा हूँ। साहबजादे बशारत अली खान, आपको खुद नहीं मालूम आप कौन सा रंग देखना चाह रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कौन सा रंग देखना चाहता हूँ। आप जब संजीदा होने की एक्टिंग करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मजाक के लिए आनी रह गए? अरे कभी तो मुझे सीरियसली ले लिया करो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माल से लगी हुई गाड़ियां सुबह से फैक्ट्री में खड़ी हैं। वो बशारत नवाब, अब आप बच्चे नहीं रहे। हाँ, लेकिन ज्यादा देर थोड़ी हुई, वैसे पैसों का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बशारत नवाब, मैं वक्त को पैसे से ज्यादा कीमती समझता हूँ, और जब तक आपके दस्तखत नहीं होंगे गाड़ियां वहीं खड़ी रहेंगी, और नतीजे के तौर से दूसरे काम बंद रहेंगे, समझा? आप मेरी जीप लेकर फैक्ट्री पहुंचे, इन्हें मैं छोड़ दूंगा। जी जनाब। जाइए। अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या चलेंगी? मुझे और भी काम है। सरकार पूछ रहे हैं उनका गर्मशाल कहाँ है? तकिए के नीचे है। क्या बात है? अरे आपका हाथ गर्म, बाल गीले, कपड़े गीले, जाओ जाओ गुसलखाने में जाके पहले कपड़े बदलो। जब छोटे सरकार, एमएन बीबी को बहुत बुखार है, डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम चलो, मैं आता हूं। बाबा, 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 बाबा। फिक्र की कोई बात नहीं नवाब साहब। बाबा, बाबा, मैं लड़ रही हूँ खुद से, खुद से लड़ रही हूँ। इन्हों हर वक्त अपने अब्बा जान को याद करती रही सरकार। काश आज वो जिंदा होते हैं।
ऐमन जैसी लड़की के वालिद होने पर हम उन्हें खुद मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त बुखार थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, 2-3 दिन में उतर जाएगा। वैसे आप मेरे क्लिनिक किसी को भेज दें जी, मैं दवाई उसके हाथ भेज देता हूँ। मैं ये बेवकूफी की हरकतें कब बंद करूंगा? अरे क्या जरूरत थी मुझे चार्ली चैपलिन बनने की? वो अच्छी खासी जा रही थी, जबरदस्ती उसको उठाकर बोट में बैठा लिया। अगर वो पानी में खुदा खास्ता उसको, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने लोगों के दिलों में ऐसी दहशत फैला रखी है कि लोग आपसे बात करने में डरते हैं। मैं भी, और वो भी, उसको लग रहा था कि अगर आपको पता चल गया कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए कपड़े सुखाने। देखिए उसने क्या हालत बना ली अपनी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ करना। इत्मीनान रखिए, ऐमन को कुछ नहीं होगा। जरूर जरूर, आप उसकी चिंता ना करें। आजर नवाब आपसे कल बात कर लेंगे। जी शुक्रिया, नमस्कार। हाँ जी बशारत नवाब जी, आपने लकड़ी के किलों ने टॉयस के जो डिजाइन किए थे ना जी, ये वही चाहे बनकर आ गए। अच्छा वाह गुड, बॉम्बे की जिस फर्म ने हमसे सैंपल मांगे हैं उन्हें आज ही डिजाइन भेज दो। अच्छा ये देखिए, वेरी गुड। और ये देखिए। अच्छा अच्छा, सिवाय इनको छोड़कर डार्विन का कहना है कि इनका और मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है मैं भेज दूंगा। होग बीटी बर्थ नहीं जी। क्या कहा? मैं बोला मैं जाकर फिर आएंगे। अच्छा वो कराइए। हाँ जी जनाब, लोगों का कहना है कि कोई काम शुरू करने से पहले बुजुर्गों की इजाजत ले लेनी चाहिए। अगर आपका हाथ मेरे सर पर हो तो कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। खाला सरकार हाजिर हो सकता हूं? आओ बशारत नवाब। आदाब खाला सरकार। आओ बैठो बशारत नवाब। खुश तो हो ना? जी हाँ, इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं। मेरा प्रमोशन हो गया है और भाईजान ने मुझे टेनिस क्लब का मेंबर भी बनवा दिया है। हमें खुशी है कि आजर नवाब ने तुम्हारी दिलचस्पी का ख्याल रखा। खला सरकार, आपने वक्त वक्त पर जो मुझे रास्ता दिखाया उससे मुझे अपने आप में एतमाद पैदा हो गया। अब मेरा रास्ता मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे तुम इतनी तरक्की करो कि एक दिन इस फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ। शुक्रिया। अंदर आ सकता हूँ? हुस्नूर मठ की नौकरी को क्यों खतरे में डाल रही है सरकार? आदाब। आदाब भाई, मैंने हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के डायरेक्टर के साथ तुम्हारी बात की, उन्हें तुम्हारे खिलौने बहुत पसंद आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें जाके मिल लो। जी इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। जीते रहो। सरकार आपसे एक राय लेनी थी। आओ बैठो। किस सिलसिले में? सरकार मैं सोच रहा था कि बशारत नवाब। आजर नवाब तुम जो भी सोचोगे
ठीक ही सोचोगे। ठीक है। हर दिल को सुनाते हैं फरमान, फर